सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सुमित आपका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल सुमित राजपाल अपडेट्स पर। हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि हम जो हमारी जीमेल आईडी होती है, जीमेल आईडी में अपने नंबर को कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं, या जो हमारा नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। आपको बिना स्किप किए मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। एंड आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर जो आपको रेड बटन दिख रहा होगा उसे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड साइड में नोटिफिकेशन बेल बटन होगा उसको प्रेस पे करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी मेरे न्यू अपडेट्स हो वो आपको मिलते रहे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम वीडियो की तरफ आते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना किसी भी आपको चाहे तो जीमेल ऐप में लॉगिन कर लेना, अगर आपके पास नहीं है तो जाकर अपना प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हमें अपनी जीमेल ऐप को लॉगिन करने के बाद हमें सबसे पहले करना क्या होगा कि जो आपको राइट साइड में ऊपर कॉर्नर पर एस दिख रहा होगा वहाँ पर आपकी प्रोफाइल पिक होगी, हमें सिंपली वहाँ पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही हम वहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसे ऑप्शन आ रहा होगा मैनेज यूअर गूगल अकाउंट। सो हमें मैनेज यूअर गूगल अकाउंट पर क्लिक कर देना है। मैनेज यूअर गूगल अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको सेकंड नंबर पर ऑप्शन दिख रहा होगा पर्सनल इन्फो। सो हमें पर्सनल इन्फो पर क्लिक कर देना है। अगर पर्सनल इन्फो पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली नीचे आते जाना है। नीचे जैसे आप आते जाओगे आपको दिख रहा होगा मेरा ऑलरेडी यहाँ पर नंबर रजिस्टर्ड है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे हमारा यहाँ पर नंबर रजिस्टर्ड है, आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं होगा, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर नंबर आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको नंबर चेंज करना हो तो आपको जैसे पेंसिल वाला आइकन दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा, तो आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देना है। मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ था, सो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऐसा एक इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब आप देख सकते हो ये हमसे पूछ रहा है कि आप अपने नंबर को अपडेट करना चाहते हो या यही रखना चाहते हो। अगर आप अपने नंबर को चेंज करना चाहते हो तो आप अपने नंबर को यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। जैसे आप अपडेट नंबर पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, सो आप इसको काट के अपना जोन सा भी आपको नंबर ऐड करना हो आप नंबर को ऐड कर सकते हो। नंबर को ऐड करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे वो आपसे अगेन आपका पासवर्ड मांगेगा, आपको दोबारा पासवर्ड डाल के सेव कर देना है। देन आप अपने नंबर को यहाँ पर दूसरा नंबर रजिस्टर्ड कर सकते हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।